सत श्री अकाल जी सारियां नूं, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद सिद्धू। जिवें कि तुसीं जानते हो, साडा पंजाब बुक सीरीज़ चल रही है। सो अज दा अपना टॉपिक है वैटलैंड्स ऑफ पंजाब। ठीक है, जो इंटरनेशनल इंपोर्टेंस दे वैटलैंड सीगी वो आपां पिछली वीडियो दे विच कवर कर ले सी। अज आपां नैशनल इंपोर्टेंस दे ते स्टेट वैटलैंड्स कवर करांगे। यह टॉपिक मैं फिर दसदा, बहुत इंपोर्टेंट है पंजाब के सारे ही एग्जाम्स वास्ते। एंड जो बच्चे यूपीएससी एंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने मेन्स प्रोस्पेक्टिव तो ही बहुत इंपोर्टेंट है। सो पूरी वीडियो ध्यान ना देखनी है, सो कि कुछ भी मिस ना हो। ठीक है जी, वैटलैंड्स ऑफ नैशनल इंपोर्टेंस। ठीक है, दो वैटलैंड ने जिहड़े पंजाब दे विच नैशनल इंपोर्टेंस दे ने। सो फस्ट वन इज रणजीत सागर वैटलैंड। यह जो वैटलैंड है वह रावी नदी के किनारे पर है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है। मैन मेड है, रिवराइन यानी कि नदी के उत्ते है एंड फ्रैश वाटर है। ठीक है जी, तो इनू नैशनल इंपोर्टेंस डिकलेयर किया गया 2006 के। ठीक है, सैकेंड है अपने को नंगल वैटलैंड। यह रिवर सतलुज के किनारे है, ये भी मैन मेड है। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं जिन्हों आप नंगल लेक भी कह दें, और डिक्लेयर्ड एज अ नैशनल इंपोर्टेंस इन 2008 एंड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 2009। ठीक है जी, ये दो वैटलैंड ने, एक रणजीत सागर एंड दूसरा नंगल। रणजीत सागर आर तो याद रखना है, रावी के कंडे पर है, नंगल सतलुज के कंडे पर है। ठीक है जी, एंड दोनों ही मैन मेड ने। स्टेट वैटलैंड्स, जो होर स्टेट वैटलैंड्स ने वो फाइव ने। ठीक है, जस्टरवाल वैटलैंड, यह एक नैचुरल वैटलैंड है। ठीक है, हरका चाइना ब्लॉक नियर अजनाला टाउन इन ए अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है जी, जस्टरवाल वैटलैंड। दैन कानूमान जो चांग वैटलैंड है, ये भी एक नैचुरल वैटलैंड है एंड ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की। दैन है जी किशोरपुर मियानी वैटलैंड, ये भी एक नैचुरल वैटलैंड है, ये भी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है। मनबरथाला वैटलैंड, ये भी एक नैचुरल वैटलैंड है, ये नवा शहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब है। ढोलबहा रिजर्वर, ये मैन मेड है एंड ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है जी, ये पांच वैटलैंड होर ने, इन्होंने चार नैचुरल ने। जो ये ढोलबहा रिजर्वर है, दिस इज मैन मेड एंड दिस इज़ वन ऑफ द इंपोर्टेंट स्लाइड, क्योंकि इन दे क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ बेसली, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ये जो बाकी दे वैटलैंड ने, ये कह लो इन्ने इंपोर्टेंट नहीं ने, बट अपन याद रखना पड़ेगा। जो आप एलिमिनेशन टेक्नीक वास्ते अगर है ना, अपन यह पता होना चाहिए कि केड़ा वैटलैंड कित्थे है। सो ये लिस्ट भी याद करनी है, मैं तुम्हें करवानी हूँ उन्हें, तो ये तुसीं स्क्रीनशॉट लै लो, नोट्स बना सकते हो या PDF लई सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो पहले नंबर पर एलिवल कोट लई एक नैचुरल वैटलैंड है अमृतसर विच। बरेटा अगेन नैचुरल है मानसा दे विच। नारायणगढ़ तेरकियाना वैटलैंड, ये भी नैचुरल है, ये होशियारपुर च है। सीता सागर एक नैचुरल वैटलैंड है, ये भी होशियारपुर च है। रबाब सागर नैचुरल कपूरथला। लुबाना अगेन नैचुरल, ये पटियाला विच है। लहल कलां नैचुरल संगरूर डिस्ट्रिक्ट है। गोबिंदगढ़ खोखड़ नैचुरल संगरूर डिस्ट्रिक्ट। हुसैनीवाला मैनमेड है, ये फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है। मेली डैम मैनमेड है, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है। मंगरोवल मैनमेड है, ये भी होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है। ये लिस्ट नू इग्नोर नहीं करना, ये थोड़ी एलिमिनेशन टेक्नीक वास्ते थोड़े बहुत काम आएगी। ठीक है जी, हो भी सकता है कि नैक्सट एग्जाम विच इन्हां विचों क्वेश्चन पूछ ले जाए। सो किसी भी चीज़ नू इग्नोर ना करते हुए इन्हां नू राइट डाउन करो, इन्हां दी लिस्ट तैयार कर लो। सो थैंक यू सो मच। अगर चैनल ते नवे हो तो काइंडली चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू जी।